हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नवीन अलावादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लंग फिट बॉडी फिट में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। आप हर तरफ सुन रहे होंगे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे, ब्लैक फंगस के बारे में। सब लोग यही सोच रहे हैं कि अभी तो एक बीमारी से निकले थे, ये दूसरी बीमारी ब्लैक फंगस कहाँ से आ गई। तो आइए जानते हैं ये ब्लैक फंगस क्या होती है, क्यों होती है, इससे बचने के क्या तरीके हैं, और अगर हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ब्लैक फंगस क्या है? ब्लैक फंगस एक प्रकार की फंगस है। जैसे बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, वैसे ही एक फंगस होती है। तो ब्लैक फंगस, इसको हम ब्लैक फंगस क्यों कहते हैं? फंगस कई तरीके की होती है। वाइट फंगस होती है, जिसे हम राइजोपस या कैंडिडा कहते हैं, और ब्लैक फंगस होती है। होती ब्लैक फंगस भी वाइट ही है, लेकिन जब ये बॉडी में इन्फेक्शन करती है तो सेल की डेथ होती है, जिससे कि डेब्रिस, ब्लैक मटेरियल बॉडी में बनता है। वो ब्लैक मटेरियल ब्लैक होता है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। इसको हम म्यूकर माइकोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो बाई डेफिनेशन ब्लैक फंगस इज़ ए रेयर। रेयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कोविड के 10,000 में से 3 पेशेंट्स को होती है। बस सबको नहीं होती है, 50% को नहीं होती है, लेस देन 1%, 3 out of 10,000 कोविड के पेशेंट्स को ब्लैक फंगस होने का रिस्क रहता है, जो कि बहुत रेयर है। रेयर, दिस इज़ ए अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब कि ये वैसे नहीं होता है बॉडी में। ब्लैक फंगस के स्पोर्स इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं, यहाँ पे भी घूम रहे हैं। मुझे ब्लैक फंगस क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मेरे बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है। जब बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है किसी भी कारण से, या शुगर कंट्रोल नहीं है, या फिर अभी अभी कोरोना की बीमारी से निकले हैं, या फिर डायबिटीज़ है, कैंसर की बीमारी है, किडनी की प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे चले हैं, या कैंसर की दवाइयाँ चली हैं, इन सब कारणों से शरीर की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो सॉइल में एंड एयर में रहते हैं, वैसे इन्फेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाए तो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प करके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करते हैं, इसलिए इसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। अगली टर्म आती है एंजियो इन्वेसिव। एंजियो इन्वेसिव मीन्स, ये एनजीओ मीन्स वेसल, इन्वेसिव मतलब घुसना। तो ये वेसल के अंदर घुस जाती है और वेसल को डेड कर देती है। जब वेसल डेड होती है तो सेल डेथ होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लैक मटेरियल बनता है। तो ये एक प्रकार का एनजीओ इन्वेसिव इन्फेक्शन है। तो ये सारी टर्म्स ब्लैक इन्फेक्शन को, ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन को दी गई हैं, जैसे कि इट्स ए रेयर, अपॉर्चुनिस्टिक। नेक्स्ट टर्म आती है लाइफ थ्रेटनिंग। लाइफ थ्रेटनिंग मीन्स कि अगर ये हो जाए एक बार तो ट्रीटमेंट के बावजूद भी जो इसकी सक्सेस रेट है वो 50% है। यानी कि पहले तो बीमारी पकड़ में आए, पकड़ में आने के बाद हम इसका इलाज करें, और इलाज करने के बावजूद भी जो सक्सेस रेट है वो 50% है केवल, इसलिए आपने इस बीमारी को बहुत गंभीरता से लेना है। और जैसे ही ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन के कोई भी लक्षण शरीर में दिखाई दें, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन बॉडी में कहाँ कहाँ फैलता है और उसको हम क्या क्या नाम देते हैं। आइए हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइट है ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस के लिए, वो है नोज एंड ऑर्बिट। तो इसलिए इसको बोलते हैं राइनो ऑर्बिटल टाइप का म्यूकर माइकोसिस। राइनो मीन्स नोज, ऑर्बिटल मीन्स फेस। इसके अलावा ये हमारे जो साइनस हैं, ये जो मैक्सिलरी साइनस दिखाए हुए हैं, इसमें भी इन्वेट करती है। जब ये राइनो ऑर्बिटल टाइप की होती है तो ये साइनस में भी इन्वेट करती है। इसके अलावा अगर ये ऊपर तक होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुँच जाए तो इसको हम सेरिब्रल कहते हैं। सेरिब्रल मीन्स ब्रेन। और अगर ये नीचे की तरफ ट्रैवल करे तो सबसे पहले ये हमारे विंड पाइप, जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट
मेन ब्रोंकस एंड उसके बाद राइट एंड लेफ्ट लंग्स तक पहुंच जाती है, जिसको हम पल्मोनरी टाइप का ब्लैक फंगस या मुकर माइकोसिस कहते हैं। इसके अलावा अगर ये हमारे विंड पाइप में ना जाके, ये जो विंड पाइप के पीछे मैंने ब्लैक कलर से दिखाया, ये हमारी ईसोफेगस है जिसे फूड पाइप कहते हैं, अगर ये फूड पाइप की तरफ चली जाए तो इसे GI ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, क्योंकि ये फूड पाइप आगे जाके हमारे स्टमक में खुलता है। और बहुत रेयर केसेस इसके स्किन में भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्यूटेनियस म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। आइए इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कौन कौन से साइन एंड सिम्टम लेकर के पेशेंट डॉक्टर के पास में आते हैं जिनको ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस होता है। सबसे पहले न्यू ऑनसेट ऑफ फीवर, जैसे कोई भी कोविड पेशेंट है, कोविड से रिकवरी हुई है, हॉस्पिटलाइज रहे हैं, डिस्चार्ज हुआ है, फीवर ठीक हो जाता है, जब कोविड ठीक हो जाता है तो पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, उसके बाद न्यू ऑनसेट ऑफ फीवर मोर देन 100 डिग्री और मोर देन 99.5 कैन बी फाउंड इन म्यूकर माइकोसिस। अगला सिम्टम है, अगर ये म्यूकर माइकोसिस नाक की तरफ जाता है, जिसे हम राइनो ऑर्बिटल कहते हैं, नाक का बंद होना, छींके आना, नाक से ब्लैक कलर का डिस्चार्ज या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होना, फिर ये आँखों की तरफ जाता है तो आँखों की स्वेलिंग, मेनली ये फेस के एक साइड में मूव करता है, तो इसलिए एक साइड के सिम्टम जनरली हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आँखों में एक साइड की स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, पेन होगी, आँखों से डिस्चार्ज होगा, या फिर एक साइड में हेडेक होगा अगर ये सिर तक चली जाती है, जिसे हम सेरिब्रल कहते हैं, या फिर स्ट्रोक, दोरों का आना, या फिर पेशेंट ड्राउजी हो जाता है, यानी कि बेहोश भी हो जाता है, या फिर नशे में रहने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं राइनो ऑर्बिटल और सेरिब्रल के। अगर ये म्यूकर माइकोसिस नीचे की तरफ जाती है और पल्मोनरी टाइप का म्यूकर माइकोसिस करती है, तो पेशेंट को खांसने में ब्लड आ सकता है, जिसे हम हीमोप्सिस कहते हैं, या नाक से खून आ सकता है, जिसे हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे लंग्स में जाकर के निमोनिया कर सकती है, जिसमें पेशेंट की खांसी बढ़ सकती है, सांस का फूलना, ऑक्सीजन का सेचुरेशन का कम होना, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर ये GI ट्रैक की तरफ मूव करती है तो पेशेंट को खाना खाने में प्रॉब्लम होती है, गले में दर्द रहता है, गला लाल रहता है या ब्राउन कलर का हो सकता है, और उसके बाद वॉमिटिंग होना, इस तरीके के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं सिम्टम्स को समराइज करूं, तो गले में दर्द रहना, फेस पे एक साइड में स्वेलिंग होना, आँखों में स्वेलिंग होना, नाक से डिस्चार्ज आना, नाक बंद होना, न्यू ऑनसेट ऑफ फीवर होना, दोरों का पड़ना, बलगम में खून आना, ऑक्सीजन का कम होना, ये सब लक्षण कॉमन है। आइए अब जानते हैं कि इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो पेशेंट्स के सिम्टम को सुन के डॉक्टर को ये जज करना होता है कि ये पेशेंट ब्लैक फंगस सस्पेक्ट कैटेगरी में लैंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पेशेंट के सिम्टम सुनने के बाद अगर पेशेंट सस्पेक्ट कैटेगरी में है तो डॉक्टर कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं। जो इसके लिए श्योर शॉट डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है नेजल एंडोस्कोपी। हम नाक के माध्यम से, एक दूरबीन होती है, नाक के अंदर जाते हैं और जो वहाँ की म्यूकोसा होती है उसको हम रब करके उसमें बायोप्सी ले लेते हैं, और उसमें फंगल स्टेन नाम का टेस्ट होता है, जिसमें जो राइजोपस के जो म्यूकर के जो हमारे हाइफा होते हैं वो राइट एंगल ब्रांच पे दिखते हैं, राइट एंगल ब्रांच 90 डिग्री पे, और उनके बीच में कोई सेप्टा नहीं होते हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिक होता है कि ये म्यूकर के सेप्टा हैं। तो एक बार अगर हमें म्यूकर के सेप्टा दिख जाएं और अगर पेशेंट को सिम्टम भी हैं तो ये डायग्नोस्टिक होता है कि हम म्यूकर माइकोसिस बीमारी के साथ में डील कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये पेशेंट का नेज, नोज, ऑर्बिटल रीजन और साइनस इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम एक CT PNS, CT स्कैन पैरानेजल साइनस का होता है, उसको एडवाइस कर सकते हैं। उसमें कोई हमें फंगल की ग्रोथ मिल सकती है या फिर कोई बोनी इरोजन मिल सकता है, क्योंकि ये ब्लैक फंगस होती है, ये बोन तक घुस जाती है और बोन को इरोड कर देती है।
या फिर ये ब्लैक फंगस अगर ब्रेन तक गई है, जिसे हम सेरिब्रल कहते हैं, तो हम MRI ब्रेन करा के देख सकते हैं, जिसमें अगेन हमें बोनी इरोजन देखने को मिल सकता है या कोई ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर ये पल्मोनरी टाइप का म्यूकरमाइकोसिस है तो हम अगेन पेशेंट का सीटी स्कैन या फिर चेस्ट एक्सरे या फिर बलगम की जांच, जिसे हम स्पुटम एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो फंगस के लिए कर सकते हैं एंड उसमें हमें म्यूकर के हाइफा देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम ब्लैक फंगस को डायग्नोस करते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं। हमने जाना ब्लैक फंगस क्या होती है, कितने तरीके की होती है, इसके क्या सिम्टम होते हैं, हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, अब हम जानते हैं इसको हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कंबाइंड अप्रोच अपनानी पड़ती है। कंबाइंड अप्रोच होती है सर्जिकल एंड मेडिकल बोथ। सर्जिकल अप्रोच में हम एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है, जो हम नोज़ के थ्रू जा कर के यहाँ पे छोटा सा होल करके जो भी नेक्रोटिक और डेड मटेरियल है उसको डिब्राइड करते हैं। डिब्राइड मींस हम उसको खरोच देते हैं, उसको वहाँ से हटा देते हैं डेड मटेरियल को, जिससे कि दवाइयाँ असर कर सकें। और दवाइयाँ कौन कौन सी देते हैं, जैसा कि हम सब न्यूज़ में सुन रहे हैं, एम्फोट्रेसिन बी दो तरीके का होता है। एक तरीके का होता है जिसे हम लाइपोसोमल बोलते हैं, जो कि किडनी के लिए सेफ होता है, जिसकी अभी शॉर्टेज भी हो गई थी। दूसरे तरीके का होता है कन्वेंशनल किडनी के लिए हार्मफुल होता है, तो किडनी पेशेंट्स को नहीं दे पाते हैं हम। इसी वजह से जो डिमांड थी वो लाइपोसोमल एम्फोट्रेसिन बी की थी, क्योंकि ये किडनी के लिए सेफ होता है। इसके अलावा जो दवाई होती है उसे कहते हैं कोसाकोनाजोल। जैसे पेशेंट को हमने एडमिट किया, एडमिट करने के बाद हमने उसको डायग्नोस किया, डायग्नोस करने के बाद हमने उसकी सर्जरी और एम्फोट्रेसिन बी दोनों साथ साथ करनी होती है, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। जब हम पेशेंट को 10 से 14 दिन पे डिस्चार्ज करते हैं, ऐसे पेशेंट जिनका फीवर रिस्पॉन्ड कर जाता है, जिनकी खांसी कम हो जाती है, जिनका ब्लैक डिस्चार्ज नोज से आना कम हो जाता है, ऐसे पेशेंट को हम कोसाकोनाजोल नाम की टैबलेट होती है, जिसकी डोज होती है 300 मिलीग्राम वंस ए डे, उस पर हम पेशेंट को 3 से 6 महीने तक के लिए दे करके डिस्चार्ज करते हैं। तो हमने जाना इसकी कंबाइंड अप्रोच है सर्जिकल एंड मेडिकल। मेडिकल में एम्फोट्रेसिन बी एंड कोसाकोनाजोल। जो चीज़ मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में जानना, वो ये है कि इसके लिए हमें इंस्टीट्यूशनल या कंबाइंड अप्रोच चाहिए इसके ट्रीटमेंट के लिए। कंबाइंड अप्रोच मतलब कि हमें न्यूरोसर्जन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, न्यूरोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, ENT स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें पल्मोनोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, और जो कि बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शुगर को कंट्रोल करना साथ में, उसके लिए हमें फिजिशियन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें करने के साथ साथ हमें शुगर को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने शुगर कंट्रोल नहीं करी तो हमें रिजल्ट्स अच्छे देखने में नहीं मिलते हैं। शुगर कंट्रोल कहते हैं अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 120 और रैंडम ब्लड शुगर लेस देन 160 है तो हम मानते हैं ये कंट्रोल है। अगर रैंडम शुगर 180 से कम है तो भी ठीक है, चल जाएगा मतलब, लेकिन 180 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे पेशेंट जिनका कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान ब्लड शुगर लेवल 250, 300, 350 अबव चला है, ऐसे पेशेंट्स को म्यूकरमाइकोसिस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये बात हमें खास ध्यान रखनी है कि अगर जो कोविड के पेशेंट हैं उनका शुगर कंट्रोल रहे, और कोविड की रिकवरी के बाद जब आप घर गए हैं तो एटलीस्ट दिन में एक बार तो शुगर लेवल ज़रूर चेक करना है, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो भी। आइए बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन इस बीमारी का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर आपको ब्लैक फंगस हो गया तो सक्सेस रेट ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी केवल 50% है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं। प्रिवेंशन के लिए जो सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है
जो कोविड के पेशेंट हैं जिन्होंने ऑक्सीजन ली है, तो जो ऑक्सीजन का कंटेनर है वो बिल्कुल क्लीन रहे। आप उसमें हर बार डिस्टिल वाटर स्टरलाइज जो होता है वही डालेंगे, गंदा पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। गंदा पानी डालने से तो बेटर है आप उसको ड्राई ही ले लें, उसमें कुछ भी मत डालें। ट्यूबिंग बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। आप कम से कम दिन में 2 से 3 बार बीटाडीन के गरारे करें। अपने मुंह की जो हाइजीन है और जो दांतों की हाइजीन है उसे अच्छा रखें। शुगर को कंट्रोल रखें, जैसा कि मैंने बताया फास्टिंग लेस देन 120 एंड रैंडम लेस देन 160 होना चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट लें। अपने बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें। हाउस होल्ड एक्टिविटी या व्यायाम अवश्य करें। और जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड हैं जैसे कि हनी हो गया, टोमेटो हो गया, स्प्राउट्स हो गए, दालें हो गई, सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गए, इस तरीके की चीज़ों का सेवन अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा करें। वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं कोविड की। वैक्सीनेशन हम आगे डिटेल में लेंगे अपने अगले वीडियो में। कोविड की वैक्सीनेशन के अलावा जो हमारे इन्फ्लुएंजा, जो कि बच्चों को हमारे पास हम लोग कोविड की वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं जो लेस देन 18 ईयर्स के हैं, तो उनको इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, न्यूमोकोकल की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और टाइम टू टाइम पे अपने डॉक्टर को दिखाते रहें। और कोई भी वार्निंग साइन आता है जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, डिले नहीं करना आपने बिल्कुल भी। कोई भी सिम्टम आए तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। फ्रेंड्स, अगर मैं ब्लैक फंगस के होने के कारण को समराइज करूं, तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने हाई डोज ऑफ स्टेरॉयड लिए हैं, स्टेरॉयड का मिसयूज़ किया है वो, और ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने एंटीफंगल दवाइयां बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लिए हैं, जैसे कि वोरिकोनाजोल, वो आपने एम्पेरिकली बिना किसी कारण के ले लिए हैं, ऐसे ही ले लेते हैं शायद ब्लैक फंगस ना हो, तो वो क्या करती हैं, अदर फंगस की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं और ब्लैक फंगस की ग्रोथ को बढ़ा देती हैं। तो ये 3 कारण मुख्य हैं जिनकी वजह से ब्लैक फंगस होता है: अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, मिसयूज ऑफ स्टेरॉयड एंड अननेसेसरी यूज़ ऑफ एंटीफंगल एंड अदर एंटीबायोटिक विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर न जाने कितनी ज़िंदगी बचा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर नवीन अलावादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लंग फिट बॉडी फिट में। फ्रेंड्स, हमने पहले वीडियो में जाना कि ब्लैक फंगस क्या होती है, क्यों होती है, कितने प्रकार की होती है, इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। हम अब अपने इस पार्ट में लेंगे पेशेंट्स की क्वेरी ब्लैक फंगस के बारे में, क्योंकि ब्लैक फंगस के बारे में पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो उनके इतने क्वेश्चंस होते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो जो उनकी मेन क्वेरीज़ हैं, जो हो सकता है शायद आपकी भी क्वेरीज़ हों, हम उनको 1 by 1 लेंगे। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो में दे रहा हूँ, पहले जा कर के आप फर्स्ट पार्ट को देखिए, फिर आप सेकेंड पार्ट पर आइए। आइए लेते हैं हम पेशेंट की क्वेरीज़। तो जो पहली पेशेंट की क्वेरी होती है
तो ये क्या पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो जाता है? जैसे हम इस रूम में दो लोग बैठे हैं, उसके स्पोर्स तो इन्वायरमेंट में है ही ब्लैक फंगस के, और सामने वाले पर्सन को भी मान लीजिए ब्लैक फंगस है, तो क्या मुझे हो सकती है? इसका आंसर है नो, मुझे नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी, तब ये बॉडी के अंदर एंटर करके डिजीज़ कर सकती है, अदरवाइज पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती है। इसी से मिलती जुलती दूसरी क्वेरी आती है, मास्क का यूज़, क्या मास्क पहनने से ब्लैक फंगस में प्रोटेक्शन मिलता है? इसका आंसर है येस, मास्क पहनने से ब्लैक फंगस में भी प्रोटेक्शन मिलता है और कोविड में भी प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि जो इसके स्पोर्स होते हैं ब्लैक फंगस के, वो मास्क को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी वीक भी है और आप मास्क पहन रहे हैं, तो आपको ब्लैक फंगस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेरी हम लेते हैं कि ये हाई शुगर इनटेक में क्यों होती है? हाई शुगर अगर किसी पेशेंट की अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तभी क्यों होती है? तो इसका आंसर करने के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट याद दिलाता हूँ जो हम बचपन में करते थे। आप एक ब्रेड को आप रख दीजिए एनवायरनमेंट में, उसमें फंगस डिपॉजिट होने में हफ्ता या महीना भी लग सकता है, जो वाइट कलर का जो हमें ब्रेड के ऊपर दिखाई देता है डिपोजिशन। अब आप उस ब्रेड को गीला करके रख दीजिए, जो फंगस की ग्रोथ है आपको जल्दी दिखाई देगी, क्योंकि ये वेट सरफेस में ज़्यादा ग्रो करती है, जो गीली गीली त्वचा रहती है उसके ऊपर ज़्यादा ग्रो करती है। यही कारण है कि हमारे नोज से थ्रोट से ज़्यादा ट्रेवल करती है और सबसे पहले इन्हीं ऑर्गन्स में अटैक करती है। अब आप उस गिलास में जिसमें आपने पानी भर के रखा है, उसमें आप शुगर डाल दीजिए और ब्रेड को डिप कर दीजिए, तो फंगस की ग्रोथ और तेज़ हो जाएगी, क्योंकि ये फंगस का भी जो भोजन है, जो ये इस पे निर्भर रहती है, वो शुगर है, हाई शुगर इनटेक, हाई शुगर कंटेंट इसका एक फूड है, तो इसको हम फूड देंगे तो ये जल्दी ग्रो करेगी। तो इसलिए जिन पेशेंट्स का शुगर लेवल अनकंट्रोल रहता है, फास्टिंग शुड बी लेस देन 120 एंड रैंडम शुड बी लेस देन 160 होना चाहिए। जिन पेशेंट्स का अनकंट्रोल रहता है 250, 300 से ज़्यादा, उनको ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आइए अब जानते हैं कि मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड में ये ज़्यादा जैसे हो गई थी, तो ये इंडिया में ही इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों है? उसका कारण ये है कि जैसे इंडिया में बेड्स की कमी हो गई थी, जब हमने देखा कोविड के दौरान कहीं भी बेड अवेलेबल नहीं थे, पेशेंट का सैचुरेशन घर पे ही डिप करने लग गया था, तो उन्होंने किसी से पूछ के या कोई भी वीडियो ऐसा देख करके या केमिस्ट से लेकर के स्टेरॉइड की दवाइयों का मिसयूज़ काफ़ी हुआ। स्टेरॉइड की दवाइयों का मिसयूज़ होने से शुगर अनकंट्रोल रही। बहुत सारे तो ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने शुगर घर पे चेक भी नहीं करी। चूँकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई नहीं मिल पाती है, और हमारे यहाँ कोई भी केमिस्ट से लेके कोई भी दवाई खा लेता है, यही कारण रहा कि इंडिया में ब्लैक फंगस के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जब स्टेरॉइड लेने से इतने हार्म हो रहे हैं, इतने नुकसान हो रहे हैं, ब्लैक फंगस नाम की बीमारी हो रही है जिसकी सक्सेस रेट 50% है, तो हम स्टेरॉइड ले ही क्यों रहे हैं? क्यों कोविड के पेशेंट को हमने कोई और दवाइयां नहीं दी, स्टेरॉइड क्यों दिए? उसका आंसर ये है कि जो काम स्टेरॉइड की दवाई कर सकती है, वो कोई और नहीं कर सकती। स्टेरॉइड इज़ ए मैजिकल एंड वंडर ड्रग। ये मैजिकल एंड वंडर ड्रग तभी होती है जब हम इसको सही समय पे, सही ड्यूरेशन के लिए और सही डोज में देते हैं, तो इसके मैजिकल इफ़ेक्ट हैं। यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो अगर सही हाथों में जाए तो इसके फ़ायदे हैं, लेकिन अगर इसको गलत तरीके से हमने प्रयोग किया तो इसके नुकसान बहुत हैं। और स्टेरॉइड के अलावा ऐसी कोई दवाई नहीं थी हमारे पास जो कोविड पेशेंट्स में ऑक्सीजन बढ़ाने के काम आ सके। हालांकि एक दो दवाइयां और थीं
जैसे कि हमने ब्लड थिनर दिए, रेमडेसिविर दी, लेकिन रेमडेसिविर और एंटीवायरल दवाइयों के रोल कितने थे कितने नहीं थे कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है कि स्टेरॉयड की दवाइयों ने जाने तो बचाई हैं, काम भी किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो काम स्टेरॉयड कर सकती है वो कोई और दवाई नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास ये आती है कि ब्लैक फंगस के लिए कौन कौन से एज ग्रुप इफ़ेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों से लेकर के एल्डरली एज ग्रुप तक कोई भी इससे इफ़ेक्ट हो सकता है, मेल एंड फीमेल कोई भी, दोनों में इंसिडेंस इक्वल है, बट मेनली ये 40 प्लस एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास ये आती है कि ये फर्स्ट वेव में क्यों नहीं देखने को मिली, सेकेंड वेव जो आई इंडिया में उसमें ज़्यादा पेशेंट क्यों देखने को मिले। तो उसका आंसर ये है कि सेकेंड वेव में जो कोविड के पेशेंट्स के नंबर थे वो बहुत ज़्यादा थे, जो बेड की शॉर्टेज हुई वो बहुत ज़्यादा हुई, उस वजह से मिसयूज़ ऑफ स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा हुआ। और एंटीबायोटिक जो बिना किसी डॉक्टर के सलाह के ली गई, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करी है। तो यही कारण है कि सेकेंड वेव के दौरान ब्लैक फंगस के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिले। आइए जानते हैं अब रोल ऑफ जिंक के बारे में, क्योंकि हमारे पास ये क्वेरीज लगातार आ रही हैं कि क्या जिंक की टैबलेट का ओवर यूज़, चूँकि हमने देखा पेशेंट ने 2 महीने 3 महीने यहाँ तक कि 6 महीने तक भी लोग जिंक की टैबलेट लेते रहे, तो क्या जिंक की टैबलेट लेने से भी ब्लैक फंगस बढ़ जाता है? देखिए, अभी तक इसका डेफिनेट आंसर नहीं मिला है, अभी स्टडीज़ चल रही हैं, लेकिन कुछ एक स्टडीज़ में ऐसा आया है कि ओवर यूज़ ऑफ जिंक कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जो आयरन के स्टोर्स होते हैं उससे भी इसका लेना देना है। जैसे कि फेरिटिन लेवल होते हैं जिसको हम आयरन का स्टोर बोलते हैं, जिन लोगों में ज़्यादा फेरिटिन लेवल्स देखने को मिले उनमें ब्लैक फंगस का रिस्क ज़्यादा रहा। तो हाई फेरिटिन लेवल एंड ओवर यूज़ ऑफ जिंक कैन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ ब्लैक फंगस। अभी डेफिनेट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। एक क्वेरी हमारे पास ये आती है कि दांत का ढीला होना, दांत का निकलना, या फिर दांत में दर्द, या फिर हमारी पैलेट जिसे हम तालू कहते हैं उसकी स्किन का रंग बदलना, यानी कि ब्लैक हो जाना तालू, ये भी क्या ब्लैक फंगस का लक्षण है? जी हाँ, दांत का निकलना, दांत में दर्द, तालू का ब्लैक हो जाना या कलर चेंज होना, या फिर जबड़े की तरफ ब्लैक लाइन आना, ये सब भी ब्लैक फंगस का लक्षण हो सकता है। तो अगर इस तरीके के लक्षण आपको मिलते हैं तो तुरंत डेंटिस्ट की सलाह लीजिए। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास आ रही है कि क्या ये ब्लैक फंगस नॉन कोविड पेशेंट्स में भी होती है? जी हाँ, केसेस बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं, लेकिन ये नॉन कोविड पेशेंट में भी देखने को मिल रही है, इंसिडेंस बहुत कम है। ऐसे पेशेंट्स जनरली एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं और उसका इंसिडेंस बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास आती है कि क्या प्री ट्रीटमेंट का कोई रोल है? हमने देखा कि ब्लैक फंगस से कितनी ज़्यादा पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, तो हम एंटीफंगल दवाइयाँ पहले से ही ले लेते हैं जो सस्पेक्ट ग्रुप में है? जी नहीं, पहले से कोई भी एंटीफंगल दवाई लेने का इसमें कोई रोल नहीं है, बल्कि ये प्रीडिस्पोज कर देगा ब्लैक फंगस होने के लिए। तो पहले से प्रोफाइलेक्सिस नाम के बोल के एंटीफंगस किसी भी दवाई का कोई भी रोल नहीं है, बिना अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के और सलाह के कोई भी एंटीफंगल दवाइयाँ एज ए प्रोफाइलेक्सिस एहतियातन तौर पे मत लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेरी पे कि जो हमारे ब्लैक फंगस के पेशेंट होते हैं वो देखने में कैसे लगते हैं? देखने में ये पेशेंट स्टार्टिंग में सिक बिल्कुल नहीं लगते, आपको कहीं से भी देख करके नहीं लगेगा कि ये पेशेंट ज़्यादा सीरियस है, देखने में बिल्कुल आम आदमी की तरह दिखते हैं। तो ये आपका काम है उसको डायग्नोस करना, क्योंकि बड़े वेग से सिम्टम इस तरीके के पेशेंट देते हैं कि जैसे हल्का सा बुखार रहता है 99.5, बहुत सारे डॉक्टर को तो उनको घर भेज देते हैं बोल के कि कुछ भी नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा कोविड के बाद वीकनेस की वजह से, बाद में वो ब्लैक फंगस निकलते हैं। तो आपने तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी है अगर कोई भी किसी भी तरीके का सिम्टम आपको दिखाई देता है।
आइए आते हैं अब अपनी लास्ट क्वेरी पे कि ब्लैक फंगस के बारे में तो हमने जाना, ये वाइट फंगस क्या होती है। वाइट फंगस को हम राइजोपस या कैंडिडा नाम से भी जानते हैं। हमने देखा होगा कि ये वाइट फंगस ब्रेड पे या वाइट फंगस का ये एक टाइप होता है, दीवारों पे लग जाती है, सीलन वाली दीवारों पे, या कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी टंग वाइट रहती है जिसे हम ओरल कैंडिडियासिस के नाम से जानते हैं, तो उसे हम वाइट फंगस या कैंडिडा कहते हैं। और उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें फ्लूकोनाजोल नाम की दवाई है वो देनी पड़ती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर कई जिंदगी बचा सकता है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नवीन अलावादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लंग फिट बॉडी फिट में। फ्रेंड्स, पोस्ट कोविड के बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो घर पे ऑक्सीजन की कमी फेस कर रहे हैं, ऑक्सीजन पे ही डिस्चार्ज करना पड़ रहा है, वॉशरूम जाने पे ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल बहुत डिप हो जाता है, या लंग फाइब्रोसिस डेवलप कर गई है। तो ऐसे पेशेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें लंग की एक्सरसाइजेस बतानी पड़ती हैं। ये लंग एक्सरसाइजेस हेल्प करती हैं लंग की कैपेसिटी बढ़ाने में, बॉडी की कैपेसिटी बढ़ाने में, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में, और पेशेंट को कंफर्टेबल करने में जिससे पेशेंट का सांस कम से कम फूले। तो पहले जानने से पहले कि कौन कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, हमें ये जानना ज़रूरी है कि लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटीज़ क्या होती हैं। आज के इस टाइम में सबको मालूम होना चाहिए कि लंग वॉल्यूम क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। आइए इस डायग्राम के माध्यम से हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं टाइडल वॉल्यूम, TV। टाइडल वॉल्यूम होता है हम जो सांस नॉर्मली नॉर्मल रेस्पिरेशन में अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ये हाफ लीटर या 500 ml होता है। टाइडल वॉल्यूम उसे कहते हैं जब इंसान को पता भी नहीं होता कि वो सांस ले रहा है, वो सांस लेने के लिए कॉन्शियस नहीं होता और वो सांस ले रहा होता है और छोड़ रहा होता है, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये होता है 500 ml। टाइडल वॉल्यूम के ऊपर हम जितनी सांस अंदर ले सकते हैं, जैसे कि ये मेरा नॉर्मल सांस चल रहा है टाइडल वॉल्यूम पे, ये मैंने गहरा सांस लिया, जितना मैक्सिमम मैं ले सकता हूँ इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि ये रिजर्व है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब सांस का अंदर लेना, एक्सपिरेशन मतलब सांस का बाहर छोड़ना। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो टाइडल वॉल्यूम के ऊपर हम मैक्सिमम ले सकते हैं वो होता है 25 ml, यानी कि 2.5 लीटर। अब बात करते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, जो हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, इसके बाद हम कितना मैक्सिमम सांस बाहर निकाल सकते हैं, मैक्सिमम उसे बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होता है 1500 ml, यानी कि 1.5 लीटर। और इतनी मेहनत करने के बाद जो वॉल्यूम हमारे लंग के अंदर बचा रह जाता है उसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ये होता है 1500 ml, यानी कि 1.5 लीटर। इस वॉल्यूम को, रेजिडुअल वॉल्यूम को, हम किसी भी माध्यम से बाहर नहीं निकाल सकते।
ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के जरिए हम रेजिडुअल वॉल्यूम कम कर सकते हैं। जितना रेजिडुअल वॉल्यूम हम कम करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लंग्स में और एल्वेलाई पे पहुँचेगा। एल्वेलाई क्या होते हैं? एयर सैक्स होते हैं जो हमारी ब्रोंकस होते हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं, उसके जो टिप पर लगे होते हैं उसको हम एल्वेलाई कहते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट को करवा सकते हैं। पहली एक्सरसाइज है रेस्पायरोमीटर या इंसेंटिव स्पायरोमेट्री या ट्राई फ्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ट्राई फ्लो इसलिए क्योंकि इसमें तीन बॉल होती हैं। इसको हम मुंह में लगा के इसमें हम सांस को अंदर खींचते हैं जिसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं। ये आपने ऐसे कोविड पेशेंट जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ है उनको बहुत ज़्यादा नहीं करवानी है। माइल्ड डिजीज़ में भी पेशेंट को 5 से 10 बार करवानी है सुबह और 5 से 10 बार करवानी है शाम को। याद रखिएगा जो माइल्ड कोविड डिजीज़ के पेशेंट हैं जिनको माइल्ड लंग फाइब्रोसिस है कोविड के बाद में उनको ही एक्सरसाइज करवाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगती है और बहुत ज़्यादा करने से कभी कभी लंग्स हमारे वीक होते हैं जो कि लंग फाइब्रोसिस में हो जाते हैं और न्यूमोथोरेक्स भी देखने को मिलता है। अगर हम मॉडरेट टू सीवियर लंग फाइब्रोसिस में ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करा दें। दूसरी होती है एक्सपायरेटरी एक्सरसाइज। हम इसको उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे और सांस को बाहर फेंकेंगे। इसमें हम तीसरा बॉल नहीं उठा सकते क्योंकि इसकी इतनी वॉल्यूम और इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो जो एक्सपिरेटरी एक्सरसाइज है वो हम इसको रिवर्स करके कर सकते हैं, एक्सपिरेटरी यानी कि बाहर छोड़ना। और ये ज़रूर याद रखेंगे कि ये इंसेंटिव स्पायरोमीटर या रेस्पायरोमीटर माइल्ड लंग फाइब्रोसिस या माइल्ड कोविड निमोनिया जिनको है उनको ही ज़्यादा करनी है। ज़्यादा उनको भी नहीं करनी है, उनको भी 5-10 बार सुबह और 5-10 बार शाम को इतना करना है। बहुत एक्सेसिव यूज़ इसका नहीं करना है। दूसरा होता है पानी में बबल बनाना जो कि एक्सपिरेटरी एक्सरसाइज है। एक दो सेकंड के लिए हम इसमें सांस बाहर छोड़ेंगे जिसको हम बुलबुले बनते हुए देख सकते हैं और पेशेंट को एक मोटिवेशन मिलता है। एक मोटिवेशन मिलता है क्योंकि वो बुलबुले देखते हैं। तो इसको भी हम 10 से 15 बार सुबह और 10 से 15 बार शाम को कर सकते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है कोविड पेशेंट्स में जो कि हम माइल्ड मॉडरेट सीवियर तीनों तरीके के पेशेंट्स में करा सकते हैं वो होती है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है कि पहले हम पूरा सांस अंदर भरेंगे, फिर हम दोनों हाथों को अपनी चेस्ट पे रखेंगे और सांस 5 या 6 सेकंड गिनते हुए धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। फिर सांस लेंगे, ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस या एक्सपिरेटरी एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कोविड पेशेंट में। इस एक्सरसाइज को करके पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट भी नहीं बढ़ता है और उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन भी डिप नहीं होता है। ये आप पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा भी करा सकते हैं। इससे पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट भी कम होती है और पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन सेचुरेशन भी बढ़ता है। इसके बाद हम कर सकते हैं बलून इन्फ्लेशन एक्सरसाइज। बलून इन्फ्लेशन एक्सरसाइज में ये बात ध्यान रखनी है कि हमें मीडियम साइज़ का बलून चाहिए, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। उसको हम फेज वाइज मैनर में फुलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके 4-5 अटेम्प्ट में लाइक दिस। ऐसे ऐसे नहीं कि पूरा ताकत लगा के एक बारी में फुला देंगे और मीडियम साइज का बलून नहीं। ये 5 से 10 बैलून सुबह और 5 से 10 बैलून शाम को कर सकते हैं।
ये भी हमें जो माइल्ड लंग फाइब्रोसिस कोविड के बाद या माइल्ड निमोनिया के पेशेंट हैं उन्हीं में ज़्यादा प्रयोग करना है। सीवियर लंग फाइब्रोसिस या सीवियर निमोनिया में बहुत ज़्यादा बलून बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं फुलाने हैं, उससे हमारे लंग बस्ट भी हो सकते हैं जिसे हम निमोथोरेक्स कहते हैं, या फिर पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत ज़्यादा डिप भी कर सकता है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसे हम बोलते हैं पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग होती है लंबा सांस लेना है और जब सांस छोड़ना है जिसे हम एक्सपिरेशन कहते हैं, वो लिप को पर्स करके पर्स लिप करने से, जिसे हम पाउटिंग रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ऐसा करने से जो हमारी जो ओपनिंग है माउथ की वो नैरो हो जाती है, जो हवा निकलती है धीरे धीरे निकलती है और एक तेज़ फ्लो के साथ में निकलती है, ये हेल्प करती है रेजिडुअल वॉल्यूम कम करने में। और एल्वियोलर वेंटिलेशन, जो हमारी एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलाई तक वेंटिलेशन पहुँचाने में ये हेल्प करती है। एक होता है एब्डोमिनल रेस्पिरेशन या डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, आइए जानते हैं वो क्या होती है। जब हम अंदर सांस लेते हैं तो सबसे पहले हमारी चेस्ट मूव करती है, उसके बाद में पेट हिलता है, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, अपने पेट पे हाथ रखने हैं और हमने कोशिश करनी है कि पहले हमारा पेट हिले जब हम सांस अंदर भरते हैं, पहले पेट बाहर आए। और जब छोड़ेंगे तो पेट को थोड़ा सा दबा करके इस तरीके से छोड़ना है, जब सांस लेंगे तो पेट बाहर आना चाहिए, पहले पेट मूव करें, उसके बाद जब सांस छोड़ेंगे तो फिर हमारा सांस बाहर निकले पेट को दबा करके। इससे होता क्या है कि जो हमारा पेट का प्रेशर होता है डायफ्राम के थ्रू लंग्स में जाता है और जो एल्वियोलाई हमारे पिचके हुए हैं, जो डेड स्पेस है, वो कम होता है डेड स्पेस और पिचके हुए एल्वियोलाई खुलते हैं, तो इस मदद से जो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो कम होता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो हम माइल्ड कोविड निमोनिया या माइल्ड लंग फाइब्रोसिस के पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग ऐसे करनी है, लंबा सांस लेना है और लंबा छोड़ना है। चार से पाँच सेकंड तक सांस लेना है और 7 to 8 seconds तक सांस आपने छोड़ना है। इसके बाद आती है अनुलोम विलोम। हम लेफ्ट नोज से सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग आप माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर टाइप के, तीनों टाइप के पेशेंट्स में कर सकते हैं, जिनको सीवियर लंग फाइब्रोसिस है या सीवियर निमोनिया है वो भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, हमें रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद होती है कपालभाति या पंपिंग एक्सरसाइजेस लाइक दिस। पेट को पंप के माध्यम से जब हम एक्सपिरेट करते हैं, यानी कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो पेट को अंदर की तरफ ले जाना है। ध्यान रहे ये कपालभाति हमें केवल माइल्ड निमोनिया या माइल्ड लंग फाइब्रोसिस में ही करनी है, मॉडरेट या सीवियर में नहीं करनी है। इसके बाद होती है 4-7-8 एक्सरसाइज। 4-7-8 में हम 4 seconds तक इनहेल करते हैं, यानी कि इंस्पिरेशन लाइक दिस। 7 seconds तक हम ब्रेथ को होल्ड करते हैं और फिर 8 seconds तक हमें एक्सहेल करना है। 4-7-8 seconds ये भी हमें माइल्ड कोविड निमोनिया या माइल्ड लंग फाइब्रोसिस में यूज़ करना है, मॉडरेट या सीवियर में नहीं करना है। इसके बाद होती है ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइजेस। ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज भी हमें माइल्ड कोविड निमोनिया में या माइल्ड लंग फाइब्रोसिस में यूज़ कर सकते हैं। ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज होती है, पहले आपने इंस्पिरेट करना है
ब्रेथ को होल्ड करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप होल्ड कर पाएं। फिर आपने एक्सहेल करना है और एक्सहेलेशन के बाद फिर दोबारा ब्रेथ को होल्ड करना है। जितना भी आप होल्ड कर पाएं उसके बाद फिर इनहेल करना है और फिर ब्रेथ को होल्ड करना है। ध्यान रहे ये एक्सरसाइज भी आपने माइल्ड डिजीज में ही यूज करनी है। किसी भी लंग एक्सरसाइज में आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी लंग एक्सरसाइज है विद लॉन्ग एक्सपीरेशन, जिसमें हम सांस को लंबा छोड़ते हैं ऐसे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कोविड पेशेंट के लिए या लंग फाइब्रोसिस के पेशेंट के लिए। हमारा पूरा फोकस इस बात पे रहना चाहिए कि जो हमारा एक्सपीरेशन है, यानी कि जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, वो लॉन्ग होना चाहिए। 6-7 सेकंड तक हम सांस को बाहर निकालें। इस तरीके से हम अपने रेजिडुअल वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, डेड स्पेस वेंटिलेशन को कम कर सकते हैं और एल्वुलर वेंटिलेशन को बढ़ा सकते हैं। एल्वुलर वेंटिलेशन होता है कि जो हमारे टिप ऑफ एल्वुलाई हैं, जो हमारे लंग के बिल्कुल डिस्टल एल्वुलाई पड़े हुए हैं, वो भी खुलने चाहिए। वो खुलेंगे तो उनमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, तो बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी और लंग की रीजनरेशन में हेल्प करेंगी ये चीज़ें। तो लॉन्ग एक्सपीरेशन पे फोकस करना है। आइए अब जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव लंग एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, एक्टिव और पैसिव फिजियोथेरेपी क्या होती है। ये जितनी भी मैंने आपको बताई हैं ये सब एक्टिव हैं। एक्टिव मतलब पेशेंट का एफर्ट लग रहा है। कई बार क्या होता है कि हमें बाहर से एफर्ट लगाना पड़ता है, जैसे कि हम चेस्ट पे वाइब्रेटर यूज़ करते हैं सिक्रीशन को ढीला करने के लिए या डिसलॉज करने के लिए, जिससे कि सिक्रीशन बाहर निकले। ऐसी फिजियोथेरेपी को हम पैसिव कहते हैं, जिसमें हम बाहर से कोई मशीनरी यूज़ कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, तो वो पैसिव होती हैं। जिसमें हम पेशेंट को एफर्ट लगवा रहे हैं वो एक्टिव होती हैं। फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं प्रोन पोजीशन वेंटिलेशन के बारे में। आपने न्यूज़ में, मीडिया में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ज़रूर सुना होगा इस कोविड के दौरान कि प्रोन पोजीशन वेंटिलेशन कितना ज़रूरी है। आइए इसको जानते हैं कि ये प्रोन पोजीशन वेंटिलेशन क्या होता है। इसको समझने से पहले हमें लंग्स का स्ट्रक्चर थोड़ा समझना होगा। जो ये ब्लू कलर का पाइप है, इसको बोलते हैं एयर पाइप या विंड पाइप या ट्रेकिया या सांस की नली। ये आगे जाकर के दो भागों में बट जाती है, जिसको हम राइट ब्रोंकस और इधर लेफ्ट ब्रोंकस कहते हैं, लेफ्ट मेन ब्रोंकस। ये फर्दर आगे जाकर के मल्टीपल ब्रांचेस में बट जाती है, जो आगे जाकर के बहुत सारे ब्रोंकस बनाते हैं। ये ब्रोंकस ऐसा होता है, यहाँ से हवा जाती है और ये इसकी एपिथीलियम है, लाइनिंग है। ये स्ट्रक्चर ऐसे लंग में लगे होते हैं जिसे हम ब्रोंकस कहते हैं। इसकी टिप पर एल्वेलाई लगे होते हैं, जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो टिप पे लगे रहते हैं। अब आप इस डायग्राम को देखिए, जिसमें एक पर्सन बिल्कुल सीधा लेटा है अपने पीठ के बल ऐसे। जब पीठ के बल वो लेटते हैं तो ये उसके लंग्स हैं, पिंक वाले, रेड वाला हार्ट है और येलो वाली वर्टिब्रा है, स्पाइन है। तो वो स्पाइन के बल लेटे हैं, तो हमारे जो एल्वेलाई हैं, जो लंग में ऊपर की तरफ हैं यानी कि फेस की तरफ हैं, वो तो खुले होते हैं, लेकिन जो बेस पे एल्वेलाई होते हैं, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रोंकस की टिप पे लगा रहता है, ये ब्रोंकस है इसकी टिप पे, जो नीचे की तरफ हैं वो कोलैप्स्ड होते हैं। कोलैप्स मतलब पिचके हुए होते हैं, ऊपर वाले खुले होते हैं, नीचे वाले पिचके होते हैं। तो कुछ खुले हैं, कुछ पिचके हैं, तो फिर बॉडी में ऑक्सीजन कम जाएगी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो पाएगा, क्योंकि एल्वेलाई की टिप पे ब्लड वेसल्स रहती हैं जो कि ऑक्सीजन को एल्वेलाई के अंदर से ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में डालती हैं, जो कि ट्रेकिया की मदद से मुँह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। तो पिचके हुए एल्वेलाई से ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है और खुले हुए एल्वेलाई से ज़्यादा वेंटिलेशन हो रहा है। अब अगर पर्सन को हमने उल्टा लिटा दिया इस बी डायग्राम में, उसका मुंह नीचे है, उसकी स्पाइन ऊपर है, उसकी चेस्ट नीचे है। अब आप देखेंगे ऊपर के और नीचे के दोनों एल्वेलाई खुल गए हैं,
तो वेंटिलेशन ज़्यादा हो जाएगा, एल्वियोलर वेंटिलेशन ज़्यादा होगा, डेड स्पेस वेंटिलेशन कम हो जाएगा, बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचेगी, लंग जल्दी रिजनरेट करेंगे। लेकिन जानते हैं ऐसा होता क्यों है? उसका कारण ये है कि ये जो हमारा हार्ट है, लंग की जो स्ट्रक्चर होती है वो ज़्यादा लंग हमारे बेस पे होता है, ज़्यादा लंग टिश्यू बेस पे नीचे की तरफ होता है और लंग टिश्यू जो कम होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो जो हार्ट प्रेशर डालता है, क्योंकि हार्ट आगे की तरफ होता है, तो ज़्यादा लंग टिश्यू पे डालता है। ज़्यादा लंग टिश्यू पे प्रेशर डालने की वजह से कुछ एल्वियोलाई बंद हो जाते हैं। दूसरा रीज़न है लीवर का प्रेशर। तो जो लीवर का अलाइनमेंट डायफ्राम के साथ जो होता है, डायफ्राम होता है जो हमारे चेस्ट और पेट के जो बीच में हमारी मसल होती है, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, यानी कि सांस लेने में और छोड़ने में मदद करती है, उसे डायफ्राम कहते हैं। तो इनका जो अलाइनमेंट होता है, ये ब्राउन कलर का हमारा लीवर है, यानी कि लंग का पिंक कलर के लंग, ब्राउन कलर का लीवर और उसके बीच में डायफ्राम, इन तीनों का जो अलाइनमेंट होता है ये थोड़ा गड़बड़ रहता है जब हम सीधे लेटते हैं सुपाइन पोजीशन में। लेकिन ये अलाइनमेंट करेक्ट होकर के जो लीवर का प्रेशर लंग के ऊपर पड़ता है वो कम से कम पड़ता है जब पर्सन उल्टा लेटता है। तो लीवर का प्रेशर यानी कि पेट का प्रेशर कम से कम पड़ा लंग पे, तो एल्वियोलाई खुल गए। जब लीवर का प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा था, हार्ट का प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा था, तो एल्वियोलाई हमारे पिचक गए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोन पोजीशन यानी कि उल्टे लेटने में, एल्वियोलाई को खोलने में और वेंटिलेशन बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए हमने देखा कि कोविड के दौरान जैसे ही पेशेंट उल्टे लेटते हैं यानी कि प्रोन होते हैं, तो उनका ऑक्सीजन लेवल 91 से बढ़ के 96 हो जाता है और ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन प्रोन पोजीशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए। हमने कई सारे वीडियो देखे कि 5 पिलो लगा लेते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 यहाँ लगा लेते हैं, तो उससे पेशेंट और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। हमने पेशेंट को प्रोन उल्टा तो करना ही करना है, साथ में पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। अगर पेशेंट अनकंफर्टेबल रहेगा तो वैसे ही एल्वियोलाई कोलैप्स रहेंगे, पिचके रहेंगे। तो इस बात का ध्यान अवश्य देना है कि पेशेंट की पोजीशन बहुत कंफर्टेबल हो। ये इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, कई बार देखिए, क्योंकि इसमें मैंने सारी एक्सरसाइजेस डिटेल में समझाई हैं, उनके रीज़न भी बताए हैं कि किस तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके आप अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने लंग का वेंटिलेशन बढ़ा सकते हैं और जल्दी से जल्दी कोविड निमोनिया, लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों से रिकवरी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरीके की रोचक जानकारियाँ हम आगे भी लाते रहेंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नवीन अलावादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लंग फिट बॉडी फिट में। फ्रेंड्स, हमने अपने फर्स्ट पार्ट में जाना वैक्सीन के बारे में। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं पेशेंट्स की, उसके माध्यम से जानते हैं कोविड वैक्सीन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि कोविड वैक्सीन कितने तरीके की अवेलेबल है अभी इंडिया में। पहली है कोवैक्सीन, जो कि एक किल्ड वैक्सीन है। याद करने का तरीका है कोवैक्सीन किल्ड, ठीक है। तो ये किल्ड वैक्सीन है, चूँकि ये किल्ड वैक्सीन है इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स, एनाफाइलेक्सिस वाले साइड इफ़ेक्ट्स, जो एलर्जिक रिएक्शंस वाले साइड इफ़ेक्ट्स, वो कम होते हैं, जैसा कि सबको पता है। अब ये बनाई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की मदद से, भारत बायोटेक हैदराबाद में। इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 78-95% है। अगली वैक्सीन है कोविशील्ड, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका ने बनाई है,
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मदद से, ये जो कि एक रिकॉम्बिनेंट आरएनए वैक्सीन है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया था कि जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड मटेरियल होता है आरएनए, उसको लेकर के मल्टीप्लाई करके हम वैक्सीन बनाते हैं। अगला प्रश्न आता है कि कोवैक्सीन की सेकेंड डोज कब रिपीट करनी चाहिए और कोविशील्ड की कब करनी चाहिए। अभी तक जो भी हमारे पास डेटा मौजूद है फेज 3 ट्रायल के बाद में, उसके अनुसार 4 से 6 हफ्ते में हमें कोवैक्सीन रिपीट करनी है और 12 से 16 हफ्ते में हमें कोविशील्ड रिपीट करनी है। अगला प्रश्न आता है कि ये लगती कहाँ पे है। ये दोनों वैक्सीन इंट्रामस्कुलर मसल के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से लगती है, डेल्टॉइड में, जो कि हमारे कंधे की मसल होती है। इसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे हम स्टोर करते हैं? इसको हम 2 to 8 degrees centigrade पे स्टोर करते हैं, जिससे ये इफेक्टिव रहे, इसकी इफेक्टिवनेस मेंटेन रहे। अगला क्वेश्चन आता है, इसकी डोज कितनी लेते हैं? इसकी डोज लेते हैं 0.5 ml। इसका एक बड़ा वायल आता है जिसे हम स्टोर करते हैं 2 to 8 degrees centigrade पे, और उस एक वायल के अंदर से 0.5 ml लेते हैं और एक पेशेंट को लगाते हैं या एक पर्सन को लगाते हैं। तो एक वायल के अंदर से कई पेशेंट को लग जाती है, और अगर एक बार वायल खुल जाए तो कुछ 2 से 3 घंटे के अंदर ही हमें बाकी पेशेंट्स को भी लगानी होती है। तो खुलने के बाद 2 से 3 घंटे में वो वेस्ट हो जाती है या इनएक्टिव हो जाती है या बेकार हो जाती है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेरी आती है पेशेंट्स की, हम कोविशील्ड लगवाएं या कोवैक्सीन लगाएं। देखिए, दोनों वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि जो हमारी कोवैक्सीन की इफेक्टिवनेस है वो है 78 to 95% और कोविशील्ड की है 80 to 90%। तो जो भी आपको अवेलेबल है उसे आप जल्दी से जल्दी लगवा लीजिए, क्योंकि अभी तक जो भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये आया है, जितने भी पेशेंट कोविड के दौरान, पेंडेमिक के दौरान जो एक्सपायर हुए हैं, उसमें से 99% पेशेंट वही हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी कोई भी। तो जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल है उसे जल्दी से जल्दी लगवाइए। एक जो छोटा सा डिफरेंस है वो ये है कि जो कोवैक्सीन है उससे एलर्जिक रिएक्शंस थोड़ी कम देखने को मिलती हैं, चूँकि ये किल्ड वैक्सीन है। इफेक्टिवनेस दोनों हैं और दोनों ही बेटर हैं। जो भी आपको अवेलेबल है वो आप जल्दी से जल्दी लगवाइए, अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है वैक्सीन लेने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास आती है, कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है पेन एट इंजेक्शन साइट, जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे पेन होता है, कई बार गिल्टी भी बन जाती है, और गिल्टी बनती है तो हमें वहाँ पे आइस पैक की सिकाई भी कर सकते हैं। इसके बाद पेशेंट को गिडीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, फीवर हो सकता है, फीवर अगर 100 अबव है तो हमें पैरासीटामोल भी ले सकते हैं, ट्रेमर हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, यहाँ पे हाथ पे हाथ लाल हो सकता है या गर्म हो सकता है। इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, या फिर सीवियर एनाफाइलेक्सिस, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन भी किसी किसी पेशेंट में, लाखों में से किसी एक दो पेशेंट में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास आती है कि ये AEFI क्या होता है, क्योंकि जो लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं सेंटर पे वो जगह जगह लिखा हुआ देखेंगे AEFI। AEFI होता है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग वैक्सीनेशन या फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो ये 3 तरीके की होती है, एक होती है माइनर, जिसमें हल्का सा पेन हो सकता है, चक्कर आ सकता है या हल्का सा 99 फीवर आ सकता है। दूसरी होती है सीवियर, जिसमें 102 से ऊपर बुखार आ सकता है, जो कि बहुत रेयर है। और तीसरी होती है लाइफ थ्रेटनिंग, जिसमें जान भी जा सकती है, जो कि 10 लाख में से किसी एक को हो सकती है, चांसेस होते हैं होने के, जिनको पहले से बॉडी में कुछ चल रहा है, जिनको पहले से जिनकी हार्ट की आर्टरी ब्लॉक है उसी को होती है, वैसे जनरली नहीं होती हैं, माइनर रिएक्शंस ही देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या कोविड की वैक्सीन से कोविड हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स की क्वेरी आती है कि हम कोविड वैक्सीन लगवाने गए थे, उसके बाद से फीवर आया, वो फीवर चलता रहा 10 दिन 12 दिन, और हमने कोविड टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आ गया।
तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, कोविड वैक्सीन से कोविड नहीं हो सकता है। ये तो जब आप कोविड वैक्सीन लेने गए हैं तो आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। अगर आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको कोविड हो सकता है, अदरवाइज वैक्सीन से कोविड नहीं होता है। क्योंकि जो वैक्सीन की इम्यूनिटी आती है वो वैक्सीन की डोज लगवाने के एक महीने बाद आती है, उस ड्यूरेशन में आप ससेप्टेबल रहते हैं। और लोग सोचते हैं हमने वैक्सीन लगवा ली है तो कल से ही हम सेफ हो गए, अब हमें कोविड नहीं होगा, तो ये सोचना गलत है। नेक्स्ट क्वेरी इज व्हाट इज स्पुतनिक वी। ये एक तीसरी वैक्सीन है, नेक्स्ट वैक्सीन है जो इंडिया में आने वाली है। ये एक रशियन वैक्सीन है जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी की मदद से बनाई गई है और इंडिया में इसकी इमरजेंसी यूज़ को परमिशन मिल गई है। इंडिया में ऐसा अनुमान है कि 850 मिलियन वैक्सीन की डोजेज एक साल में बनेंगी। इसके साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं और इसकी इफ़ेक्टिवनेस भी बहुत अच्छी है, 91% के अराउंड। इसमें जो टू वैक्सीन डोज का इंटरवल है वो भी शॉर्ट है, 21 डेज का, जो कि हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वैक्सीन साबित हो। नेक्स्ट क्वेरी आती है हमारे पास कि हमने वैक्सीन ले ली है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन गई हैं, तो क्या अब हमें कोविड हो सकता है? कि हो सकता है अच्छी एंटीबॉडी ना बनी हो या एंटीबॉडी लेवल कम हो। तो फ्रेंड्स, वैक्सीन की वजह से जो कोविड होता है वो उसके चांसेस तो हैं निल, कि हमने वैक्सीन ली उसकी वजह से कोविड हो गया। अगर कोविड होगा तो आपको बाहर से ही होगा। उसकी जो परसेंट है, कोविशील्ड की सेकेंड डोज लेने के बाद 0.03% चांस हैं कि आपको कोविड होगा, कोविशील्ड लेने के बाद। और कोवैक्सीन लेने के बाद 0.04% चांस हैं कि आपको आगे चल के फ्यूचर में कोविड हो सकता है। अब अगली क्वेरी ये आती है कि क्या जो लैक्टेटिंग फीमेल्स हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो क्या कोविड की वैक्सीन ले सकती हैं? जी हाँ, वो कोविड की वैक्सीन ले सकती हैं, उनके लिए कोविड की वैक्सीन सेफ़ है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेरी आती है कि हमने 18+ में तो वैक्सीन लगवा दी है, अब हम बच्चों में क्या करें, बच्चों को कैसे सेफ करें? क्योंकि जो थर्ड वेव का प्रेडिक्शन है, हम सुन रहे होंगे न्यूज़ में कि बच्चों को इफ़ेक्ट करेगी, वो एक अलग विषय है, उसमें हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे 2+ ईयर में बच्चों में ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं वैक्सीन के, जल्दी ही उसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे और हो सकता है बच्चों में जल्दी ही वैक्सीन भी आ जाए। जब तक नहीं आई है तब तक आप इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, न्यूमोकोकल की वैक्सीन बच्चों में लगवा सकते हैं, पीडियाट्रिशियन की ओपिनियन के बाद में। हो सकता है इन दोनों वैक्सीन का कुछ प्रोटेक्शन हमें कोविड से भी बचाए बच्चों में। हमारे पास नेक्स्ट क्वेरी आती है कि हमें कोविड हुआ था, कोविड से हम रिकवर हो रहे हैं, अब हमें वैक्सीन कब लेनी चाहिए? तो अभी तक जितने ट्रायल हमारे पास मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि हमें 2 to 3 months वेट करना है, कि अगर आपको सीवियर कोविड हुआ है, सीवियर या वेरी सीवियर या लाइफ थ्रेटनिंग, तो 2 to 3 months वेट करना है। अगर आपको माइल्ड कोविड था तो आप 2 months से पहले भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के ओपिनियन के बाद ही। फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेरी आती है कि CRP की क्या एडवांटेज है कोविड की वैक्सीनेशन से पहले। ऐसे पेशेंट्स जिनको बहुत सीवियर या वेरी सीवियर कोविड निमोनिया हुआ है, जिनका CRP लेवल हंड्रेड्स में है, बहुत हाई है डिस्चार्ज के बाद में, उनको 2 से 3 महीने भी हो गए हैं कोविड के बाद, तो उनको अपने डॉक्टर की सलाह से ही कोविड वैक्सीन लगवानी है। ऐसे पेशेंट जिनका CRP लेवल बहुत हाई है, जिनको बहुत सीवियर कोविड हुआ है, उनको डॉक्टर के ओपिनियन के बाद ही कोविड वैक्सीन लगवानी है। हो सकता है डॉक्टर आपको 1-2 महीने या 3 महीने के लिए कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए वेट करने को बोले, या फिर दोबारा से CRP लेवल करवा के उसके बाद आपको कोविड वैक्सीन लगाने की सलाह दें, तो अपने डॉक्टर का ओपिनियन इसमें ज़रूर लीजिए। फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेरी आती है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको कोई और दवाइयाँ चल रही हैं, हार्ट की, लिवर की, TB की, अस्थमा की, उनको अपनी दवाइयों का क्या करना है? उनको अपनी दवाइयाँ एज इट इज़ लेती रहनी हैं कोविड की वैक्सीन से पहले भी और बाद में भी, उनको कोई भी डोज स्किप नहीं करनी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी BP की, शुगर की, TB की, अस्थमा की, इस तरीके की दवाइयाँ बिल्कुल बंद नहीं करनी है कोविड की वैक्सीन की डोज से पहले भी और बाद में भी। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास आती है कि कौन सी इम्यूनिटी बेटर है, नेचुरल इम्यूनिटी या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी।
क्योंकि पेशेंट्स कहते हैं कि मेरे को कोविड हुआ था, बहुत सीवियर था, मेरे अंदर तो नेचुरल एंटीबॉडी बनी होंगी, तो नेचुरल इम्यूनिटी काम कर रही है, मैं क्यों वैक्सीन लूँ। फ्रेंड्स, वैक्सीन सबको लेनी है। अगर किसी के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी है तो भी उसको वैक्सीन से आर्टिफिशियल इम्यूनिटी ज़रूर लेनी है, चाहे कि उनको माइल्ड निमोनिया हुआ हो, सीवियर हुआ हो, या फिर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कोविड का हुआ हो, उनको वैक्सीन ज़रूर लेनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको कितना सीवियर कोविड निमोनिया हुआ था। क्योंकि स्टडीज़ में ऐसा आया है कि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो हम वैक्सीन से लेते हैं इज़ ऑलवेज बेटर देन द नेचुरल इन्फेक्शन इम्यूनिटी। हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास क्वेरीज आती हैं प्रेग्नेंट वुमेन की कि क्या हम कोविड वैक्सीन लें। जी हाँ, कोविड वैक्सीन सेफ़ है प्रेग्नेंट वुमेन में। अभी तक जितनी स्टडीज़ और ट्रायल आए हैं उनमें ऐसा आया है कि ये कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट, कोई मेजर लाइफ थ्रेटनिंग, कोई कॉम्प्लिकेशन मदर में या फीटस में या बच्चे में नहीं कर रही है। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन की सलाह के बाद ही कोविड वैक्सीन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज के दौरान ये एक आम क्वेश्चन बन गए हैं। ये खाली उन पेशेंट्स की क्वेरी नहीं है, ये आप सबकी भी क्वेरीज हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नवीन अलावादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन, वेलकम्स यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लंग फिट बॉडी फिट में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेल्टा एंड डेल्टा प्लस। हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि ये डेल्टा क्या है, डेल्टा प्लस क्या है, ये दूसरी वेव है, तीसरी वेव है, आएगी या नहीं आएगी। आइए आज हम इसी बात को समझते हैं। तो ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये चारों स्ट्रेन्स के नाम दिए हैं कोविड वायरस को। ये नाम हमें इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि कुछ टाइम बाद जो वायरस का ओरिजिनल स्ट्रेन होता है, जो कि ऐसा माना जा रहा था वुहान चाइना से आया था, ये अपनी फॉर्म बदल लेता है, अपने जेनेटिक सीक्वेंसिंग बदल लेता है, अपने म्यूटेशंस कर लेता है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग बच्चा पैदा करते हैं तो फिर उसमें जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक सीक्वेंसिंग है, म्यूटेशंस हैं, वो सब हो जाते हैं। तो इसलिए जो हमारे बच्चे होते हैं वो हमसे थोड़े बहुत अलग होते हैं, मिलते जुलते तो होते हैं लेकिन थोड़े बहुत अलग होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होती हैं। ऐसे ही जो वायरस है वो अपनी फॉर्म मॉडिफाई कर लेता है, अपने जेनेटिक कोड मॉडिफाई करता है, म्यूटेशंस होते हैं, तो तरह तरह के और वेरियंट्स बन जाते हैं। तो उसको हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा के नाम से जानते हैं। जो अल्फा स्ट्रेन है वो सबसे पहले हमें मिला था यूके में मिला था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहीं से शुरुआत हुई है उसकी, वो कहीं पे भी शुरुआत हो सकती है, बट सबसे पहले वो फाइंड आउट वहीं पे किया गया था, इसलिए उसको अल्फा स्ट्रेन हमने नाम दिया क्योंकि वो पहला स्ट्रेन था। उसके बाद हमें बीटा स्ट्रेन मिला साउथ अफ्रीका में, गामा मिला ब्राज़ील में, डेल्टा जो अभी इंडिया में सेकंड वेव का कारण बना था उसे हमने डेल्टा नाम दे दिया। अब ये डेल्टा प्लस क्या है? अगर सिंगल म्यूटेशन होता है तो हम उसे डेल्टा प्लस या अल्फा प्लस या बीटा प्लस नाम दे देते हैं। म्यूटेशन ज़्यादा होते हैं, फॉर्म ज़्यादा बदल जाती है, तो हम उसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा का नाम दे देते हैं। ये वैसे ही है जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई चोर आया। चोर जनरली कौन से कपड़ों में आते हैं? काले कपड़ों में आते हैं। तो उसे आपने ओरिजिनल स्ट्रेन का नाम दिया। फिर अगली बारी वो चोर आएगा, आपको लगेगा कि ये चोर काले कपड़ों में ही आएगा, लेकिन इस बार चोर ने ग्रे कलर के कपड़े पहने थे, जिससे कि आप भी नहीं पहचान पाए, यानी कि ह्यूमन बॉडी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई शुरू में कि ये चोर ही है, क्योंकि हमारा ऐसा इंजम्पशन था कि चोर आएगा तो काले कपड़ों में ही आएगा। उसके बाद वो आया तो समझिए कि जैसे लाल कपड़ों में आ गया, तो उसे हमने गामा का नाम दे दिया। अब आपकी एक धारणा बन गई कि चोर आता है तो डार्क कलर के कपड़ों में ही आता है, लाइट में नहीं आ सकता, तो
तो अब की बार वो वाइट कलर के कपड़ों में आ गया, जिसे हमने डेल्टा नाम दे दिया, जिसे हमारी बॉडी पहचान नहीं पाई, हम पहचान नहीं पाए कि हाँ ये चोर ही है। लेकिन है ये सारी फॉर्म चोर की ही, जो कि मॉडिफाई कर रहा है जिससे कि मेरे को लोग पहचान ना पाए और बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मैं करूँ। अब उसने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए हैं तो उसे हम प्लस की श्रेणी में रख देते हैं, मॉडिफिकेशन ज़्यादा हो जाते हैं, पूरी फॉर्म बदल जाती है, तो हम उसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा की श्रेणी में रखते हैं। तो डेल्टा स्ट्रेन इंडियन स्ट्रेन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडिया में ही हुआ है, क्योंकि लोगों ने बोला कि अगर आप इस तरीके से पहले स्ट्रेन को अगर कंट्री के नाम पे रखेंगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रेन आज तक भी नहीं पता, ऐसा माना जा रहा है कि चाइना से आया था बट आज तक भी नहीं पता कि कहाँ से आया है। तो इसलिए हमने इसको कंट्री के नाम ना देके अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा का नाम दिया है। अब ये भी माना जा रहा है कि जैसे डेल्टा ने इंडिया में सेकेंड वेव का कारण बना था और बहुत लोगों की डेथ हुई थी, वैसे ही डेल्टा वर्ल्ड वाइड काफ़ी कंट्री में फैल रहा है और अराउंड 100+ कंट्री में ये फैल चुका है डेल्टा भी, और सेकेंड वेव का कारण बन रहा है। और इंडिया में ये माना जा रहा है कि जो डेल्टा प्लस है वो थर्ड वेव का कारण बनेगा, क्योंकि डेल्टा ने तो कर दिया जो करना था। तो ये सारी फॉर्म है, मॉडिफिकेशन है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने लायक ये है कि जब ये फॉर्म बदलते हैं वायरस, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो इनकी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है। इन्फेक्टिविटी मतलब ये इनकी जो संक्रमण दर है, जो फैलने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। लेकिन डेल्टा में ऐसा माना जा रहा है, जब अभी तक जितनी भी स्टडीज़ आई हैं, कि मोर्टेलिटी इसकी कम थी, यानी कि मृत्यु दर कम थी। लेकिन हमें मृत्यु दर ज़्यादा क्यों लगी? क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा थे, केस लोड इतना ज़्यादा था कि जो ओवरऑल मोर्टेलिटी थी वो ज़्यादा थी। अब मोर्टेलिटी कम क्यों होती है, उसको आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई चोर आया काले कपड़ों में, उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करके आ गया, तो आपको पता है आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, वो ज़्यादा नंबर में चोर आपके घर में घुसते चले जाएंगे। लेकिन आपको, आप तैयार रहेंगे पहले से ही, आप सजग रहेंगे कि हाँ हमारे घर में पहले चोरी हुई थी, दोबारा चोरी हो सकती है, तो आप सजग रहेंगे, इसलिए मोर्टेलिटी कम होती है। लेकिन नंबर इतने ज़्यादा होते हैं केसेस के कि तुलनात्मक अगर हम देखें तो मोर्टेलिटी हमें ज़्यादा मिली डेल्टा में। अभी तक जो स्टडीज़ आई हैं उसमें ऐसा माना जा रहा है कि ओरिजिनल स्ट्रेन से जो अल्फा स्ट्रेन था उसकी इन्फेक्टिविटी 50 टाइम्स थी, 50 गुना थी। अल्फा से डेल्टा की इन्फेक्टिविटी, संक्रमण दर 50 गुना थी। और ये भी माना जा रहा है कि डेल्टा से जो डेल्टा प्लस की इन्फेक्टिविटी है वो भी 50 गुना होगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये डेल्टा प्लस आ गया तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। मोर्टेलिटी का भी पता नहीं है कि मोर्टेलिटी कितनी होगी डेल्टा प्लस की, बट एक चीज़ तो श्योर है कि इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होने वाली है। अब ये मालूम कैसे पड़ता है कि ये अल्फा स्ट्रेन से है, बीटा से है, गामा से है, डेल्टा से है, डेल्टा प्लस से है? क्योंकि जो हम RT-PCR करते हैं उसमें तो खाली कोविड पॉजिटिव लिखा हुआ आता है रिपोर्ट में, ये तो आता नहीं है कि ये डेल्टा स्ट्रेन है, ये डेल्टा प्लस है, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो इसके लिए एक अलग तरीके का मेथड होता है जिसको हम जीनोमिक सिक्वेंसिंग बोलते हैं। जो जीनोम स्ट्रक्चर होता है, जो वायरस के जीन होते हैं, जीन मिलके जीनोम बनाते हैं, और जीनोम का जो सिक्वेंस का जो पैटर्न होता है उसके आधार पर एक अलग तरीके की मशीनें आती हैं जो कि जीनोमिक सिक्वेंसिंग करती हैं। पहले तो ये देखती हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब पॉजिटिव है तो जीनोमिक सिक्वेंसिंग की मदद से उसको हम अल्फा बीटा गामा या डेल्टा का नाम देते हैं। अब बात आती है कि ये डेल्टा प्लस अगर इंडिया में फैल रहा है तो हम इसको फाइंड आउट कैसे करें, क्योंकि हर तरफ कोविड का ही टेस्ट हो रहा है, कोई ये तो टेस्ट कर नहीं रहा है कि डेल्टा है या डेल्टा प्लस है। पहली बात तो ये है कि डेल्टा प्लस देखने के लिए या डेल्टा देखने के लिए आप हर किसी का सोसाइटी में जीनोमिक सिक्वेंसिंग नहीं कर सकते। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में केसेस फैल रहे हैं, ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, सपोज़ किसी एरिया में 500 केस आए कोविड के किसी जोन में, उस जोन में से आपने 100 पेशेंट ले लिए, उनसे 100 पेशेंट का आपने जीनोमिक सिक्वेंसिंग किया, जीनोमिक सिक्वेंसिंग में आया कि 50-60% लोगों का या 50-60 लोगों का डेल्टा प्लस है, तो हम ये मानेंगे कि उस कंटेनमेंट जोन में जो डोमिनेंट स्ट्रेन है वो डेल्टा प्लस है। हमें केवल डोमिनेंट स्ट्रेन देखना है, क्योंकि अभी केसेस इतने कम हैं, कंटेनमेंट जोन इतने कम हो गए हैं कि हमें अभी जीनोमिक सिक्वेंसिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है बहुत सारे लोगों का।
अगर ये केसेस फिर दोबारा बढ़ने लगते हैं तो हम कंटेनमेंट जोन डिफाइन करके एक वहाँ की पर्टिकुलर पॉपुलेशन का जीनोमिक सिक्वेंसिंग करके ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये डेल्टा प्लस ही है जो अभी दोबारा से जो केस बढ़ रहे हैं उसका रीज़न डेल्टा प्लस ही है। अब WHO ने ये देखने के लिए कि कौन सा वेरिएंट कितना ज़्यादा खतरनाक है, इन वेरिएंट्स को दो श्रेणी में डाला है। एक है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि अभी हमारा इंटरेस्ट है उस स्ट्रेन के ऊपर, हमें उसे देखना है, हमें उसे जज करना है कि कितना ट्रांसमिसिबल है, कितनी इन्फेक्टिविटी है, कितनी मोर्टेलिटी है, कितने लोगों को मार रहा है, कितना खतरनाक है। पहले हमें उसे देखना है, अगर हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा लोगों की डेथ होने वाली है, तो हम उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रख देते हैं। अभी जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी होती है वो हाई होती है, यानी कि ज़्यादा कंट्री में मिलता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं टाइप के जो स्ट्रेन है। ट्रांसमिसिबिलिटी वेरिएंट ऑफ कंसर्न की भी हाई होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो मोर्टेलिटी होती है, जो मृत्यु दर होती है, वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में ज़्यादा होती है, और जो वैक्सीन लेस इफ़ेक्टिव होती है वो भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न में ही होती है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में वैक्सीन भी इफ़ेक्टिव रहेगी, मोर्टेलिटी भी कम रहेगी, हालांकि वो ज़्यादा कंट्री में फैलते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा होती है, बट कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती, लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न में बहुत ज़्यादा चिंता की बात होती है। तो जो डेल्टा वेरिएंट है उसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है, क्योंकि इसने इंडिया में भी काफ़ी तबाही मचाई और अभी ये वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी कंट्री में फैल चुका है और वहाँ पर सेकेंड वेव का कारण बन रहा है। लेकिन जो डेल्टा प्लस है उसको अभी WHO ने तो बोला है अभी हम इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में नहीं रखते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि डेल्टा प्लस को हम स्टार्टिंग से ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, डेल्टा नहीं इतनी ज़्यादा कंट्री में तबाही मचाई है, तो हम एक डेल्टा प्लस भी ऐसा करें ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको शुरू से ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखते हैं। जो हमारे बीटा और गामा स्ट्रेन होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते हैं, इन्फेक्टिविटी भी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये जो अल्फ़ा है, डेल्टा है और जो डेल्टा प्लस है, अल्फ़ा और डेल्टा तो हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, लेकिन डेल्टा प्लस है या नहीं है ये अभी देखना पड़ेगा, जब अगर केसेस बढ़ते हैं उनको स्टडी करके देखना पड़ेगा कि डेल्टा प्लस भी क्या उतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगले पार्ट में हम जानेंगे थर्ड वेव के बारे में कि क्या इंडिया में थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।